डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल तो क्वेश्चनर और शेड्यूल के बीच में क्या डिफ्रेंस है देखिए तो क्वेश्चनर और शेड्यूल दोनों क्या है ये प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के दो मेथड हैं क्वेश्चनर और शेड्यूल में सिमिलरिटी क्या है कि ये दोनों ही लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं हार्ड कॉपी में या ए फोर शीट पर आप जो है लिस्ट ऑफ क्वेश्चन निकाल लेते हैं और इसका जो है रिस्पॉन्स आपको रिस्पोंडेंट से लेना होता है लेकिन इसके डिफ्रेंसिस डिफरेंट मेनली जो अगर देखें तो इसका मेन डिफरेंस है कि क्वेश्चनर जो है वो रिस्पॉन्डेंट खुद अपने आप फिल करता है लेकिन जो शेड्यूल है वो रिसर्च वर्क या फिर एनूमरेटर होते हैं ट्रेंड वर्कर होते हैं वो फिल्ड करते हैं तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन आर फिल्ड बाई यानी जिनको आपने क्वेश्चन में भेजा है वो जो है अपना खुद ही क्वेश्चन को फिल करेंगे जो भी क्वेश्चन होंगे वहीं पर शेड्यूल जो है वो उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे ऑप्शन होंगे उसको जो रिसर्च वर्कर या फिर एनुमेरेटर है वो रिस्पॉन्डेंट की हेल्प से जो है वो पूरा डिटेल फिल करता है यानी जो है उस क्वेश्चन को एलोबरेट करेगा रिस्पॉन्डेंट को रिस्पोंडेंट आंसर बताएगा और एनुमेरेटर उसको टिक करेगा या फिर फिल करेगा क्लियर तो रिस्पॉन्डेंट्स क्वेश्चन को खुद फिल करता है लेकिन शेड्यूल जो है वो रिस्पॉन्डेंट नहीं बल्कि एनुमिनेटर फिल करता है चीप एंड इकोनॉमिकल क्वेश्चनर क्या है वो चीप है और इकोनॉमिकल है बट ऑब ऐसी बात है आपने खाली क्वेश्चन बनाया आपने उसको मेल कर दिया बाई पोस्ट भेज दिया और रिस्पॉन्डेंट ने उसको फिल करके आपको वापस रिटर्न कर दिया लेकिन जो शेड्यूल है यहाँ पर आपको ट्रेन वर्कर होने चाहिए तो ट्रेनिंग देनी पड़ती है आपको फिर क्वेश्चन लेके वो सभी लोगों रिस्पॉन्डेंट के पास जाएगा फिर वहाँ से उसे क्वेश्चन पूछेगा टाइम कंज्यूम भी होता है उनसे क्वेश्चन पूछेगा उसके बाद फिर आपके पास रिस्पॉन्सेज आते हैं तो क्वेश्चनर क्या है वो चीप है और इकोनॉमिकल है लेकिन शेड्यूल जो है वो एक्सपेंसिव और ट्रेनिंग वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि सेंसस जनगणना होती है तो वहां पे घर घर जो है सभी लोग जाके डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो एक्सपेंसिव होता है लेकिन आप रिसर्च में देख लीजिए चाहे पीएचडी का हो चाहे कोई जनरल के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं रिसर्च पेपर लिखने के लिए तो वो जो है आप घर बैठे कहीं पे भी सबको भेज देते डेटा कलेक्ट हो जाता है आसानी से तो वो चीप होता है तो क्वेश्चनर होता है क्वेश्चनर में जो है नॉन रिस्पॉन्स जो वो ज़्यादा होता है यानी कि रिस्पॉन्डेंट को आपने भेज दिया मेल क्वेश्चनर जो है आपने भेज दिया लेकिन अब वो सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके सभी क्वेश्चन के आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो आपको नहीं पता है तो वहाँ पर नॉन रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है वहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन को पूरा क्वेश्चनर ही जो है उन्होंने फिल नहीं किया है वहीं पे शेड्यूल में नॉन रिस्पॉन्स जो है बहुत ही कम होता है क्यों क्योंकि यहां पे पर्सनली जो है वो विजिट करता है एनोमिनेटर फिर रिसर्च वर्कर खुद जो है शेड्यूल लेके जाता है और उनसे पूरा क्वेश्चन ले फिल करवाता है यानी कि उनसे पूरा रिस्पॉन्स लेता है तो वहां पर नॉन रिस्पॉन्स जो है कम होता है नॉन रिस्पॉन्स यानी कि रिस्पॉन्स ना देना तो शेड्यूल में कम होता है और क्वेश्चनर में ज़्यादा होता है देन नेक्स्ट डिफरेंस है कि आइडेंटिटी ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स इज नॉट क्लियर क्वेश्चनर में कि क्वेश्चनर को कौन फिल कर रहा है उसकी आइडेंटिटी नहीं क्लियर होती है यानी कि आपने नाम तो लिख दिया अपना लेकिन जो किया कोई और भी फिल कर सकता है तो हाँ पे आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती लेकिन शेड्यूल में आइडेंटिटी जो है वो वो की क्लियर होती है क्यों क्योंकि एनोमिनेटर या फिर रिसर्चर रिसर्च वर्कर खुद भरता है तो उसको पता होता है कि किसने जो है ये डिटेल दी है तो क्वेश्चन में आइडेंटिटी ऑफ रिस्पॉन्डेंट इज नॉट क्लियर शेड्यूल में आइडेंटिटी ऑफ रिस्पॉन्डेंट इज नॉन नेक्स्ट डिफरेंस है दैट इज में कि पर्सनल कॉन्टेक्ट इज नॉट स्टेब्लिश यानी कि जो रिसर्चर है और क्वेश्चन रिस्पॉन्डेंट है उसका जो है बीच में कोई पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं होता है लेकिन हाँ शेड्यूल में पर्सनल होता है बट बता अभी बताया कि रिसर्च वर्कर को अबेंट के पास जाना होगा उससे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना होगा उसके बाद उसके डिटेल जो है वो फिल करता है क्वेश्चन में तो वहां पर पर्सनल कॉन्टेक्ट स्टेब्लिड होता है लेकिन क्वेश्चन में पर्सनल कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश नहीं होता है नेक्स्ट डिफरेंस है कि कैन नॉट बी यूज वेन रिस्पॉन्डेंट आर इलिटरेट यानी कि अगर जो रिस्पोंडेंट है वो इलिटरेट है पढ़ा लिखा नहीं है तो उस केस में आप क्वेश्चनर का यूज़ नहीं कर सकते हैं बट आप जाता है कि क्वेश्चनर है वो पूरा क्वेश्चन दिए गए हैं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैसे मीडियम में है वो नहीं समझ पाएगा तो वहाँ पे आप जो है उसका यूज़ नहीं कर सकते लेकिन शेड्यूल का इलिटरेट पर्सन से डिटेल कलेक्ट करने के लिए भी आप जो है शेड्यूल का यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एनुमरेटर होता है रिसर्च वर्क होता है वो क्वेश्चन को समझाएगा या फिर अपने वर्डों में पूछेगा और जो है वो आंसर देगा और उसका आंसर को जो है रिस्पोंडेंट उस शेड्यूल में लिखता है है. तो इलिटरेट पर्सन के लिए भी शेड्यूल यूज किया जा सकता है लेकिन क्वेश्चनर जो है वो इलिटरेट पर्सन के लिए नहीं यूज किया जा सकता है यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं तो वो कैसे जो है क्वेश्चन के क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देंगे तो क्वेश्चन इज नॉट यूजफुल फॉर इलिटरेट बट शेड्यूल इज कैन बी यूज फॉर डेटा कलेक्शन फ्रॉम इलिटरेट पर्सन ऑल्सो नेक्स्ट डिफरेंस है क्वेश्चन का दैट इज रिस्क ऑफ इनकंप्लीट एंड रॉन्ग इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चनर में क्या है आपने क्वेश्चन भेज दिया अब सामने वाले ने गलत इंफॉर्मेशन भी दे दिया या फिर इनका कंप्लीट आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन दिया तो वहाँ पे इसका रिस्क ज्यादा होता है किसने क्वेश्चनर में लेकिन शेड्यूल में इस चीज का रिस्क कम होता है क्यों क्योंकि वहाँ पर रिसर्च वर्कर होता है और उसको पता है कि क्या क्या डिटेल लेनी है कितनी डिटेल लेनी है अगर वो इनकम्प्लीट होगा तो वो दोबारा उससे क्वेश्चन रिस्पॉन्डेंट से पूछ सकता है उसको पूरा कंप्लीट करके ही वो एनुमरेटर या फिर रिसर्च वर्कर लेके आएगा क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग भी उस चीज़ की मिली होती है लेकिन क्वेश्चनर में रिस्पॉन्डेंट को खुद भरना होता है तो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन अधूरा गलत इंफॉर्मेशन कुछ भी वो फिल कर सकता है तो ये क्वेश्चनर और शेड्यूल के बीच में डिफरेंस होता है मेजर डिफरेंस यही है कि क्वेश्चनर को रिस्पॉन्डेंट खुद फिल करता है और शेड्यूल को रिस्पॉन्डेंट फिल ना करके बल्कि एनोमिनेटर या फिर रिसर्च वर्कर वो रिस्पोंडर के थ्रू जो है फिल करता है खुद ही रिस्पोंडर से क्वेश्चन पूछेगा रिस्पॉन्डेंट आंसर बताएगा और शेड्यूल में जो क्वेश्चन होते हैं उसको एनुमेटर फिर रिसर्च वर्कर खुद अपने हाथों से फिल करता है जैसा कि सेंसस में होता है तो होप आपको डिफरेंस क्लियर होंगे विश यू ऑल द बेस्ट कीप पहुंचे